ज़्यादा दर्द हो रहा है तो हमें एक बार सोनोग्राफी करके अल्ट्रासाउंड करके चेक करना पड़ेगा। अभी हमारे पास बेड खाली नहीं है, बताओ फोर्टिस इतना बड़ा हॉस्पिटल, कह रहे हैं कि हमारे पास अभी बेड खाली नहीं है। एक कहाँ आ गए घूमने आप? एक कहाँ घूम रहे हो? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू शर्मशी ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज धूप बहुत अच्छी हो रही है, मैंने इसलिए खाट पर डाल दिया है। उधर अभी फैलाया नहीं है, इसे डाल दिया। कपड़े मेरे सूख गए थे और अभी एक बार आज की जो मशीन लगती है कपड़ों की वो लगने वाली है। बहुत सारे मशीन में कपड़े भर गए हैं। बच्चों को मैंने दूध दे दिया है, बच्चे दूध पी रहे हैं। और निष्ठा आज स्कूल कर दिया था इनका। वैसे तो जब तक एग्ज़ाम है जिस दिन नहीं है उस दिन छुट्टी है, बट कर दिया था आज के स्कूल आना है और कल का पता नहीं। तो मैंने कहा नहीं, इस पूरा दिन वेस्ट चला जाता है, अपने यहाँ बैठ के पढ़ाई कर लेगी थोड़ी बहुत, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बेकार में छुट्टी तो वैसे भी हो ही जाती है, तो अब तक क्यों कर ही ले और अपने घर में बैठ के पढ़ाई कर ले। और अभी तो मैं बहुत पहले के नहा के आ चुकी हूँ और मैंने अभी क्रीम पाउडर कुछ नहीं लगाया है, लिपस्टिक भी नहीं लगाया, सिंदूर भी गया था, सिंदूर भी नहीं लगाया, बाल भी नहीं सुखाए, ऐसे बांध रखे हैं। हाँ हो गया, हो गया। अन्य 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 दे दो, लो। थैंक यू बेबी। हाँ बोलने की कोशिश करता है कि बहुत करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है ना, है ना, है ना। हाँ बहुत ज़्यादा। और ये मम्मा तो बोल ही देता है, मम्मा उसका छीन लिया उसने जाके, छीन लिया वो सुबह पी रही थी, उसने उसकी बॉटल छीन जाके, उसकी बॉटल को ना ये इसको ना अंदर कर देता है, उसको मज़ा आता है, पता नहीं क्यों अंदर करने में। से ना खेल खेल करते हैं बच्चे ना। ये देखो मैंने कहा था तब तक थोड़ा काम, बच्चों का दूध वूध और उसका नाश्ता पानी करके बच्चों के पास बैठ जाओ, क्योंकि मिहिक ना मिहिका को मारता है और मिहिका भी मारे थे, बट मिहिक ना काट भी लिया। देखो जैसे कर रहा है तो मैंने बोला तुझे फ़ोन में लगे। अभी चलाऊंगी गाइस, मैंने इनके हमने इनके लिए गाने चला रखे थे हैं। और अभी ये देखो मैंने ना आज पूजा की थाली धो दी है। और ना आप सोच रहे हो कि हम थाली में से जिसमें खाते हैं वो दूध उबल के मैं इसीलिए आ रही थी, उसके नीचे नहीं गिरा, ये निष्ठा का दूध है। तो हम ये हमारी ना पूजा की ही थाली के रखते हैं हम इसे। जब हम इस घर में आए थे ना, टीशा देख काट ना ले, काट ना ले, देख ना, तो हम जब इस घर में आए थे ना तो बोलते हैं ना पूजा के लिए कुछ कुछ बर्तन पंडित जी बोलते हैं, तो उसमें से ये थाली भी थी। तो हम मैंने अब ये धो दी है और फिर मैं रख दूंगी हमारी खाने पीने की थाली। और अभी तक ना मेरे पास ऐसी कोरी थालियां भी हैं, उनमें से बना सकती हूँ, बट अभी मेरी पूजा की अलग से है तो ये अलग से हैं। हम इसको तीज त्यौहार पर निकालते हैं, यूज़ करते हैं दिवाली वाली पे, जैसे कि दिए के लिए, हर पूजा करने के लिए, या किसी और करवा चौथ पे अगर मेरे पास सजी हुई कोई दे, मम्मी भेज देती है मैं ले लेती हूँ, बात अलग है, नहीं तो मैं इसी में करके ये सब करती हूँ। और अब मैंने धो दिया, मैं इसको रख दूंगी अलग साइड में। देखो मैं दिखा देती हूँ ना राखी जो मिहिक को मिली थी, निष्ठा की मौसी देके गई थी। ये देखो ये ना चांदी की राखी है, इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर 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 है ये, मेरे तो बहुत अच्छी लगी। ये देखो ये तो बहुत ही प्यारी लग रही है। सोना नहीं है तुम लोगों को है, पता कितना टाइम हो गया है अभी। गाइस देखो वो ये फोन के पीछे लड़ाई हो रही थी, मैंने मम्मी का फोन आया था गलती से रख दिया मैंने यहाँ पे, पहले तो मीका ने लिया, ये रही मेरी गोद में और उसके पीछे ये पीछे लग गया। हाँ क्या अब थोड़ी देर सो जा आपने, वो भी खा लिए थे इन्होंने वो पफ कौन से हल्ली गुली अच्छे से, दूध देने की जरूरत तो नहीं है अभी। हाँ जी मीक क्या कर रहे हो बेटा? मीक अब सोना नहीं है, एक बज रहा है, सोना नहीं है बेटा। हाँ आपकी पॉटी हो गई, आप चीची कर ली, नहीं करी नहीं करी नहीं करी। अच्छा ओ बेबी, क्लैप 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 क्लैप। हेलो
मीका हेलो, कैसी हो? हेलो, हाँ मीका का फोन आया है। हेलो हेलो, हाँ, हेलो, ठीक हो आप? कैसे कह रही थी नानी? हाँ, अच्छा, हाँ, अरे और क्या कह रही थी? हेलो, ये कह, इसने हाथ को फोन बना रखा है। हेलो हेलो मीका, हाँ जी, आपको क्या हो गया? आप कैसे कर रहे हो? हेलो करो, हेलो हेलो करो, हाँ जी हेलो करो, हेलो हेलो मीक जी, हेलो करो मीक जी, हाँ जी हेलो। और नहीं, आप मुंह तो मुंह में दे दोगे, मैं पिटी कर दूंगा। नहीं लाओ, दे दो दे दो, मी का फोन छीन लो, भैया से फोन छीनो, भैया से फोन छीनो। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? हम लोग आ चुके हैं इस रूम में और निष्ठा की मॉम की तबीयत पहले से बेटर है। फीवर नहीं आया आज, है ना? फीवर वगैरह आया नहीं आज, तो दवाई खाने की भी ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं। बाकी मी की आज टाइम इसका और ये निष्ठा का जो बुक शेल्फ है ना, उसकी चेन खोल दे मेरी। चलो मीका से बात करते हैं, देखना कैसा इसमें। हाँ कर लो बात, कर लो कर लो बात, कर लो। मीका आ गया, अभी सीधा छीनेगा फोन। ले लिया गाइस मैंने अपने फोन। ऐसे रखो, ऐसे ऐसे, तभी तो दिखेगी अपनी वीडियो। हाँ वो लेके चला गया फोन। तो गाइस फोन मीक लेके जा चुका है। मीक कर रहा है व्लॉग, फोन को तोड़ रहा है, गिरा रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये क्या कर रहे हो आप? लग गया गाइस, देखो फोन छीनता ही। हाँ ये पता है क्या कर रहा था, आप लोगों को क्या दिखा रहा था? ये फोन हाथ में लेके, ये देखो ये जो गड्ढा है ना जिससे मैं नोचते रहते हैं, इसको पीटते रहते हैं, इसको कितना बड़ा कर दिया उसको, भूल कर रहा था। हाँ तो गाइस फोन को ले गया ये अपना उधर कोने में और वहां पे फोन फेंक दिया। और ये भी तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया भाई साहब ने। टूट गया ये, इसका हैंडल खींच रहा था, ये निकाल दिया। लगा दूँ क्या इसको? हैं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, खींचो आप खींचो। गिर गया सारा, पढ़ाई करो आप चुपचाप ना। गुच्छा 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 गुच्छा, गौर से देखिए इसे, कितना गुस्सा है इसके चेहरे पे। आज बज चुके हैं रात के 11:30 और ये दोनों आज सो नहीं रहे हैं, क्योंकि आज इनकी मॉम बता रही है कि ये लोग 2 बजे के आसपास सो गए थे उससे पहले ही, और 5 बजे के बाद उठे हैं शाम को। तो आज इन्होंने दिन की नींद अच्छी खासी ली है, वरना तो अब इनकी ना दिन की नींद भी कम हो गई है, ज़्यादा नहीं सोते ये लोग। ये लोग ना मुश्किल से 1-1.5 घंटा ही सोते हैं दिन में भी, रात में लेकिन हाँ जल्दी सो जाते हैं, मतलब मैक्सिमम 11 बजे तो लास्ट रहता है, 11 बजे तक सो जाते हैं। बट आज 11:30 हो गए, आज इनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, दोनों अच्छे से खेल रहे हैं लगे हुए हैं दोनों। चलो कोई नहीं, हम लोग भी बैठते हैं। निष्ठा यहाँ पर लेटी है, देखो निष्ठा तो ऑलमोस्ट सो ही गई थी, उसको जस्ट अभी उठाया जैसे तैसे और खाना खिलाया, उसने खाना खाया तो अब वो लेट गई है, अब अपना सोएगी आराम से, है ना। बाकी इनकी मॉम भी आए, तबीयत पूछ लेते हैं निष्ठा की मॉम की, कैसी है कैसी नहीं है। अभी 2 दिन तो फीवर में पड़ी रही, अब आज देखते हैं कैसी है तबीयत कैसी नहीं है। मेरे को तो आज लग रहा है हाँ ठीक है, बाकी पूछते हैं निष्ठा की मॉम से कैसी है आज तबीयत आपकी। ठीक है, आज फीवर नहीं आया, आज मैंने टैबलेट भी मैंने सोचा नहीं लूँ, देखो आएगा नहीं आएगा। अभी बच्चे हैं तो थोड़ा सा दुख हो जाता है, तो काम नहीं हो पाता बच्चों का, कैसे कैसे कहा, टेंशन सी हो जाती है। मतलब बच्चे भी तो रखने हैं मुझे, खिलाने भी, लेके घूमना भी पड़ता है, बहलाना भी पड़ता है, वरना तो फीवर वीवर ये तो कुछ नहीं है मेरे यहाँ, ये ऐसे नहीं है।
तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख रहे होंगे हम लोग आए हैं बाहर क्योंकि मेक के ना कुछ प्रॉब्लम हो गई। एक्चुअली इसकी प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो वैसे तो उसके शुरू हो गया था 11 बजे के आसपास से ही, 10:30-11, बट हमने सोचा पहले कि ऐसे ही हो रहा होगा थोड़ा बहुत। उसने एक्चुअली दिन में इंस्टाग्राम में बताया कि उसने पानी नहीं पिया बिल्कुल ज़्यादा, तो मेरे को लगा उसकी वजह से हो रहा होगा जो भी है। फिर नीचे उतार दे रहे हैं तो नीचे अच्छे से खेल रहा है, उसके बाद फिर सुला दिया उसको, सो गया वो। बट उसके बाद फिर से उसको नींद में फिर से दर्द होने लगा, सो नहीं पा रहा अच्छे से। फिर इंस्टाग्राम हमने इसकी नानी और लड्डू को फ़ोन किया, ये लोग आए, तो अभी फिर हम लोग इसको हॉस्पिटल लेके गए मेक को, तो हॉस्पिटल से वापस जा रहे हैं हम लोग घर। और अभी रात के बज रहे हैं, आई थिंक कितना बज रहा है वो, 1:34, डेढ़ बज चुका है अभी रात का। अब हम जा रहे हैं वापसी, और यहाँ पे भी कुछ ऐसी फाइंडिंग मिली नहीं है। वो बोल रहे हैं कि अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो हमें एक बार सोनोग्राफी करके अल्ट्रासाउंड करके चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी हमारे पास बेड खाली नहीं है, बताओ फोर्टिस इतना बड़ा हॉस्पिटल, कह रहे हैं कि हमारे पास अभी बेड खाली नहीं है बच्चों का, तो हम लोग नहीं कर सकते अल्ट्रासाउंड, है ना। तो उन्होंने भी मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते, बाकी आप कहीं और देख लो और फिर उस हिसाब से आप करा लो। तो हमने यही सोचा कि अभी हम लोग चलते हैं घर और सुबह एक बार देखेंगे डॉक्टर को दिखा के लीजिए एक बार। हाँ, पहले जो इनका डॉक्टर है बच्चों का उनको दिखाएंगे एक बार सुबह, फिर जैसा वो बोलेंगे वैसा करेंगे। बाकी अभी यहाँ तो इमरजेंसी में तो ऐसे ही डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टर तो थे नहीं जो इनके बच्चों के डॉक्टर हैं, तो उनको हम सुबह दिखाएंगे एक बार क्लिनिक में जाके, या हॉस्पिटल बैठेंगे तो वहीं दिखाएंगे, फिर हम देखते हैं क्या करना है। बाकी अभी तो ठीक है, देखो पीछे बैठा है ये, सो गया कि जगह है, जाग रहे हैं, सोच रहा मैं कहाँ आ गए मेहक, कहाँ आ गए घूमने आप हैं मेहक, कहाँ घूम रहे हो, लेट आया फिर आपसे। बस निष्ठा की मॉम को भी बता दिया मैंने, तो वो भी कह रही है कि ठीक है अब कहाँ कहीं और अल्ट्रासाउंड कराओगे, या सुबह फैमिली डॉक्टर को सही दिखा के सुबह उनको दिखाएं, फिर उसे ही मैं तो कह रही हूँ सुबह करा ले, सुबह तक तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती हो सकती है, फलाना ढंगा इतना बड़ा हॉस्पिटल इसमें बेड खाली ना, वही तो बेड खाली नहीं है बोल रहे हैं, तो हम अल्ट्रासाउंड करा के भी क्या करेंगे जब हमारे पास बेड ही खाली नहीं है। ये वो तो ये कह रहा है कि या तो बच्चे ने कहीं पे मारा है, लेकिन अगर मारा है उसने कहीं पे किसी चीज़ से तो हमें पता क्यों नहीं चला, क्योंकि 24 घंटे इनके साथ पास तो रहता ही है कोई ना कोई, हो सकता है लग गई हो इधर उधर, जरूरी थोड़ी है, देखो या फिर पानी कम पिया सुसु नहीं आया इसे, उसका भी हो जाता है, सुसु नहीं करा इसने तो उससे भी दर्द हो जाता है, उसका ही लग रहा है मुझे तो। बाकी अब देखो अभी तो सुसु मैं पानी नहीं पीऊंगी यार, सुसु कर जाऊंगी तो मेरी भी हालत खराब होगी या नहीं होगी। हाँ, अभी तो हाथ नहीं लगा रहा है बार बार, अभी तो आराम से लेटा है ना,